वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका आयुष विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो इस समय मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ओनली फॉर कंप्यूटर के लिए, या कोई भी चीज़ जानना चाहते हो या कोई आपको डाउट हो रही हो, तो प्लीज़ आप अभी लाइव में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा अभी, जो हम लोग 1 तारीख से अभी प्लान स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 सितंबर से आपके लिए। तो ये आयुष त्यागी जी हाय हाय बोल रहे हैं, हेलो डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो देखते रहें इसी तरह से चैनल, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। तो अभी आपके लिए हम 1 तारीख से जो ओ लेवल के एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं 2018 में, उसके लिए प्रिपरेशन कराने वाले हैं 1 सितंबर से आपके लिए डेली मॉक टेस्ट। और आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पेपर सेट मिलेंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होंगी आपके लिए। जो लोग डायरेक्ट स्टूडेंट हैं और जो लोग के इंस्टीट्यूट के हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल पे भी समझ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो आशा करते हैं आपको चैनल समझ में आ रहा होगा। और अगर अब वॉइस की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें, तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। प्रिंस कोरी जी, जुलाई 2017 का रिजल्ट कब आएगा? तो डियर, ओ लेवल का बात करें तो रिजल्ट आपका सितंबर तक आ जाता है, 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 15 सितंबर तक आपका आ जाएगा, अगर लेट होता है तो सितंबर एंड तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा आपका। उसके लिए आप परेशान हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये आई वांट टू आस्क का क्वेश्चन, जान लव किस नाम का किसी के अकाउंट है, तो ये प्लीज़ आप पूछें कोई भी आपके क्वेश्चंस हो। मैं इस समय लाइव हूँ तो आपके जवाब देने के लिए लाइव हुआ हूँ, शॉर्ट थोड़ा टाइमिंग है, इस वजह से आप लोग जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो अभी मैंने वेबसाइट भी अपडेट कर दी है अब आप ही लोगों के लिए, जिससे कि आपको PDF में पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से अभी वेबसाइट को अपडेट किया गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद चल रही थी वेबसाइट। तो इसमें अब आपको डेली PDF में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वेबसाइट पर जाके PDF पेपर सेट और आपको सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो techvideoguru.mobi आप लोग टाइप करके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। CCC है, ओ लेवल के सारे पेपर के सेट और सिलेबस, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको, M1, M2, M3, M4.2 और आपका M4.3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से अभी ए लेवल का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसी ईयर आपको ए लेवल का भी स्टार्ट कर देंगे, सारे पेपर सेट और सॉल्यूशन और पूरी गाइडेंस आपको ए लेवल के भी स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, सॉफ्टवेयर रिव्यू इंटरव्यू आपको मिलेंगे इसमें, कि किस प्रकार से आप ओ लेवल या CCC एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके इंटरव्यू आपको इसमें मिल जाएंगे देखने को। गवर्नमेंट जॉब जो लेटेस्ट ओ लेवल से CCC से रिलेटेड होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। ऑनलाइन अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट मिल जाएगी, टेक न्यूज़ वगैरह ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार से आपको वेबसाइट पर कंटेंट आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो वेबसाइट अपडेट कर दी गई, यहाँ पे आप फॉलो करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी जानकारी समय समय पे डेली वाइज गवर्नमेंट जॉब और पोस्ट सारी आपको मिलती रहती हैं, तो यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर सपोर्टिंग मी। तो काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, ज़रा देख लेते हैं। प्रिंस को जी थैंक, सर मेरा CCC का एग्ज़ाम 5 सितंबर को है। तो डियर, आपका 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक। पहले तो एग्ज़ाम के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप UP और गोरखपुर के कैंडिडेट हैं तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें। और अभी आज 29 तारीख हो गई है, तो करीब 1 हफ़्ता मान लेते हैं अभी आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो 1 हफ़्ते में भी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी आप आराम से, मेरे अनुमान से 1 हफ़्ते में भी आप डी ग्रेड तो आराम से आप ला सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप आराम से इसमें डी ग्रेड ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको हम बता देते हैं 4-5 चीज़ें आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप 1 हफ़्ते में भी CCC का एग्ज़ाम बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं वो 5 चीज़ें क्या हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले चीज़ पढ़नी है शॉर्टकट की, आपको पढ़नी है, जैसे कि वीडियो आपको बनाई गई थी शॉर्टकट की, आपको जितनी भी हैं MS Excel, पावर पॉइंट और आपकी MS Word की, और जो इधर उधर की शॉर्टकट कीज होती हैं विंडोज़ की, आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। दूसरा चीज़,
आपको फुल फॉर्म पढ़ लेने हैं, जितने भी फुल फॉर्म कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट से हो गया, नेटवर्किंग से हो गया, या कोई डिवाइस का हो गया, या किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म होगा, उसको आप तैयार कर लें। दो दो टॉपिक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें से। आपको 50% नंबर लाने हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा चीज़ आपके लिए है इम्पोर्टेंट, एम एस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इन तीनों को फोकस आप करें। मेनली आपका एम एस एक्सेल है इसमें, CCC और BCC के एग्ज़ाम में। BCC में तो उतना नहीं आता, CCC का हम बताते हैं आपको। CCC अगर आप क्वालिफाई करना है 1 वीक में, तो आप शॉर्टकट की फुल फॉर्म और आप एम एस एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चन तैयार कर लें। आप जितने भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, आपको उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं, चैनल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सर, फाइल एक्सटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, फाइल एक्सटेंशन भी इम्पॉर्टेंट है। डोमेन आपका हो गया फाइल एक्सटेंशन, ट्रू फॉल्स भी इसमें आपके 40 नंबर के आते हैं। और कई लोगों ने इसमें पूछा है कि सर इसमें टाइमिंग क्या रहती है एक क्वेश्चन की पर सेकंड के हिसाब से, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको 60 सेकंड तक रहता है, वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, आपको ही आगे बढ़ाना होता है। आपको टाइम चाहे जितना भी होगा वो आपको ले सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड आपको मिलते हैं, उसके बाद आगे भी आप टाइम ले सकते हैं, उसके लिए आपके ऊपर है। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं कि 1 मिनट से कम ले रहे हैं, तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। वो नेक्स्ट तभी आप कर सकते हैं जब आपका 1 मिनट पूरा हो जाएगा। लोकेश कश्यप, मैंने CCC डायरेक्ट पास कर लिया, तो गुड डियर, आप अब ओ लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CCC से जुड़ी जितनी भी वैकेंसी हैं, चकबंदी लेखपाल या यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटर और CCC आप पास हो गए हैं तो ओ लेवल की फ़ीस कितनी है, आयुष त्यागी जी पूछ रहे हैं। इनका CCC हो गया है, तो ओ लेवल की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। ओ लेवल की आपकी 4 पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट है, ये दोनों के लिए है। डायरेक्ट स्टूडेंट है या कैंडिडेट आप इंस्टीट्यूट के हैं, तो भी आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल सबमिट करना होता है, ये NLT का नियम है। तो ₹500 आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपके 4 पेपर हो गए, उनके आप 500-500 रुपये, तो ये 2500 ये हो गए आपके, प्लस आपका प्रैक्टिकल का जो भी लगता है 300 या 350 रुपये जो भी आपका। तो ये मान के लिए आपका 4000 के अंदर आपका पूरा, अगर आप एक ही बार में पास कर लेते हैं, तो आपका 4000 के अंदर ओ लेवल आपका एक ही साल में कंप्लीट हो सकता है, अगर आप एक ही बार में। और आपको कुछ गाइड कर देते हैं कि अगर आपको एक ही बार में पास करना है साल भर में, तो आप दो दो करके पेपर अप्लाई करके तैयारी करें 6-6 महीने में, तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आप जब लास्ट के 2 पेपर बचे हैं उसके साथ आप प्रैक्टिकल का भी पेपर अप्लाई कर देंगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आपके लिए सरल भी होगा। फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग M1 और M2 को प्रेफर करें, और सेकंड अटैम्प्ट में आपका ICT और आपका सी लैंग्वेज M3 का पोर्शन अटैम्प्ट करें विद प्रैक्टिकल के साथ, तो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आपको सरल भी होगा, और आप 1 साल में पास भी कर सकते हैं इसको। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं NLT को, प्रोफार्मर डाउनलोड करके। कौशिक तालुलकर जी, क्या ओ लेवल का पेपर ए लेवल से पे फिर से देना पड़ेगा? हाँ डियर, पेपर आपको तब भी देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो जो उसमें 3 सब्जेक्ट हमारे मैच करते हैं ओ लेवल से ए लेवल में भी, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ने पड़ेंगे पेपर। आपको 7 या 9 पेपर होते हैं ए लेवल में, तो वो भी आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे आपको। तो और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपकी प्लेलिस्ट में शॉर्टकट की के बारे में वीडियो अपलोड है? हाँ डियर, आपको मिल जाएगी वहाँ पे, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ओ लेवल के फॉर्म एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इन 3 इंजीनियर है, तो अच्छा डियर, आपका मेल भी आपके मेरे पास आया था, तो गौरव कुमार जी आपको बता देते हैं कि आपके पास पॉलिटेक्निक का 3 या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपके पास डिप्लोमा है, तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड तो डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर आप पुट करके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना है वहाँ पे, आपने डिप्लोमा वगैरह
या आपने पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट किया हो, या आपके पास पहले कभी आपने कहीं कहीं पढ़ाया हो आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप वहाँ 1 ईयर फिल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक, वेलकम। तो और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी रिलेटेड हो? हाँ, आपको फुल फॉर्म का वीडियो भी मिल जाएगा डियर, मैं सारे अपलोड कर दिए इसलिए क्योंकि समय बहुत कम था और एग्ज़ाम 3 तारीख से लगे हुए हैं यूपी में और गोरखपुर में। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उन लोग। और मेरा यही गाइडेंस है ट्रिपल सी की, अगर आपको 1 हफ्ते में तैयारी करनी है, तो आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है और आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, या आपने कोचिंग नहीं ली है, या आपके पास कोई बुक भी नहीं है, तो भी हम आपको बताते रहे। आप इंटरनेट खोलें या आप हमारा चैनल खोलें, वेबसाइट खोलें, वहाँ पर जाएँ और आप वहाँ से मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको देखें, और शॉर्टकट की फुल फॉर्म एक्सटेंशन और आपके एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेल शीट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, उन्हीं से ही आपके सौ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चंस को सर्च करें और बस बस हाईलाइट कर लें आप उसको, और आप पेपर दे लेंगे। सबसे बेस्ट पोर्शन होता है इसमें ट्रू फॉल्स का, उसमें आप लोग ना चुकें, वो काफ़ी नंबर खींचता है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। कौशिक तालुकर, वेब टेक्नोलॉजी बुक कौन सा लें? तो डियर, आप ओ लेवल वेब टेक्नोलॉजी की बुक लेना चाहते हैं तो आप बीपीपी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा, या गोल्ड सोल्यूशन की लेंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, और अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी बुक। लोकेश कश्यप, ओ ए बी सी लेवल के सारे कोर्स तो मेरे जॉब लग जाएगी? डियर, ऐसा कहना कोई संभव नहीं है, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा, लेकिन ये कोर्स करना काफ़ी टफ होता है। ओ ए बी सी सारे कोर्स आप करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोर्स सारे एक साथ नहीं हो पाएंगे। पहली बात तो इसके लिए आपको काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ेगा। ओ लेवल का ही आपका 1 साल का होता है, तो एक बार में क्वालिफाई बहुत कम ही लोगों का हो पाता है, तो अगर आप एक बार में कर लेते हैं क्वालिफाई तो बहुत ही अच्छी बात है। ए लेवल का कोर्स आपका थोड़ा 1.5 साल के आसपास का है, तो थोड़ा टफ पड़ता है, तो अगर आप उसको चारों कोर्स को लेके चलेंगे तो आपका मान लीजिए कम से कम काफ़ी साल इसमें आपके चले जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको प्रेफर नहीं करूँगा करने के लिए। आप ओ या ए तक कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और आप मेन आपका डिपेंड करता है कि आपने उससे पहले क्या किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ है। खाली इंटर लेवल से अगर आप जाएंगे तो वैकेंसी आपको कम मिलेंगी, आप कंपनी में नहीं जा सकते हैं किसी, तो कंपनी में अगर आपको जाना चाहते हैं तो बीसीए या एमसीए अगर आपने किया उसके साथ अगर आप ये डिग्री करते हैं ओ लेवल के सर्टिफिकेट, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होती है। सर, हमें प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर देख सकते हैं? आप बिल्कुल देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर, आपको काफ़ी सारे हैं, आप चैनल पे जाके सर्च करें, टेक वीडियो ग्रुप में आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, वेबसाइट पे TCS पे आप जाएंगी तो आपको वहाँ पे काफ़ी मॉक टेस्ट और फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी अवेलेबल। तो ये TCS के जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, शॉर्टकट की वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, TCS से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसको देखें, वेबसाइट पे भी देखें, चैनल पे भी देखें, तो यहाँ पे भी आपको TCS से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप चले जाएँ DOEIC की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सी लैंग्वेज के लिए बुक कौन सी अच्छी रहेगी? कविता चौधरी जी पूछ रही हैं। तो सी लैंग्वेज के लिए बुक तो आप ले ही लें, वो तो बेस्ट रहेगी आपके लिए, वो तो हम आपको बता देते हैं अभी, लेकिन अगर आप इसके लिए कोचिंग कहीं पे ले लेती हैं आप अपने एरिया में, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बुक से उतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ इसके लिए आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप खाली सी लैंग्वेज की कोचिंग सभी स्टूडेंट को मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ भी काम आएगी, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि मेन टॉपिक आपका सी लैंग्वेज ही इसमें होता है, तो सी लैंग्वेज की आप कोचिंग कर लेते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। बुक आपको लेटेस्ट सी आती है, अंशी सी बाला गोस्वामी,
ये बुक उसमें आती है, और आपका बीपीप एप्लीकेशन भी बुक उसमें आती है। आपको वेबसाइट पे भी बुक मिल जाएंगी, अगर आप वेबसाइट पे आप जाके बुक परचेज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग के ऑप्शन में हमने बुक के बारे में थोड़ा डाल दिया है, जिससे कि आपको बुक आपको मिल जाए यहाँ पे ओ लेवल की। देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज की बुक आपको भी सीडी के साथ आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं बुक अगर आप लेना चाहते हैं, या जो भी स्टूडेंट लेना चाहे। तो ये 400 पन्ने की करीब बुक है, आपको इसमें सीडी वगैरह M3 का पूरा सिलेबस हिंदी में भी मिल जाएगी बुक, और इंग्लिश में भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास 1 साल का सर्टिफिकेट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, वो चलेगा? और हाँ, आप इसको गौरव कुमार प्रजापति जी, आपको बता देता हूँ कि आप अप्लाई कर दें 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाल के। और पोस्ट आपको कुछ नहीं करना, कोई सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट नहीं करना है NLT को। सिर्फ जब आप लॉगिन करेंगे तब तो वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेशन नहीं हो पाई है। तो उसके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म एक ऑप्शन आता है, जब आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के अपने डैशबोर्ड स्टूडेंट से, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म मिलेगा। वो आपको खाली सेंड करना होता है अपना सेल्फ साइन करके, तो उसको आप खाली पोस्ट कर दें, सिंपल पोस्ट थे बस, और कोई डॉक्यूमेंट आपको NLT को सबमिट नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए ध्यान रखें। मैंने BCom की है, CCC। हाँ, तो आपके लिए लोकेश कश्यप जी, आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है। आपने CCC कर लिया है, BCom भी कर लिया है, तो आप अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं या नहीं किया तो आप प्लीज़ अप्लाई कर दें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बैंकिंग के क्षेत्र में। और बैंकिंग की आप तैयारी करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। टैली वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टैली का कोर्स NLT होता है, लेकिन वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो आप NLT से या किसी अदर इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सर, प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए ओ लेवल, आशीष कुमार त्यागी जी पूछ रहे हैं। तो डियर, ऑलरेडी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, 4 से 5 वीडियो प्रोजेक्ट के बारे में बनानी पड़ी थी, काफ़ी लोगों को डाउट थी प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप तभी पूछा करें जब आप सबमिट किया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर रहता है कि इसमें क्या होगा, क्या कैसे होगा। इस वजह से इसीलिए चैनल स्टार्ट किया गया कि डायरेक्ट स्टूडेंट जो भी हैं वो भटके ना, और उनको सही जानकारी सही समय पे मिलती रहे, जिससे उनका कोई भी पेपर और ना छूटे आपका। तो इस बता देते हैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्या चीज़ है, थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि मैं बता दूँ आपको, प्रोजेक्ट आपका प्रोफार्मा आपको डाउनलोड करना पड़ता है। आप जब प्रोजेक्ट वाली वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रोफार्मा डाउनलोड करके आपको BTEC या MCA के स्टूडेंट से आपको सी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या आप HTML पे प्रोजेक्ट बना के टाइप कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जैसा आप करना चाहें टाइप कर दें, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 10 से 15 पेजेस का आप प्रोजेक्ट बना के चेक करवा के अगर आप इंस्टीट्यूट से करवा लेते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आप MCA के स्टूडेंट से भी आप चेक करवा के NLT को आपको सबमिट करना होता है विद प्रोफार्मा के साथ। बस इतना ही आपको प्रोसेस करना होता है, और कुछ ज़्यादा नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। जब आप चारों पेपर पास कर लें उसके बाद आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, तो आपको पूरी गाइडेंस आपको दे दी जाएगी। हाँ डियर, टैली NLT कराता है, मैंने वीडियो एक डाली हुई है जिसमें आपको NLT के सारे कोर्स के बारे में बताया है, A to Z जितने NLT कोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, कितने में होते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी है। तो लोकेश कश्यप जी, आप वाली वीडियो ज़रूर देखें चैनल पर जाके, तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। वीडियो में आप चले जाएं, इस तरह से आपको लोग खोल लिया करें टेक्स्ट वीडियो, जब आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आता है, इस तरह से खोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगे और आप आराम से खोज सकेंगे। एक एक करके धीमे से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो कंटेंट में तो वो पर्टिकुलर वीडियो सर टाइप होगी, इससे आपको ढूंढने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा इसमें। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, मैं उस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा। सर, शॉर्टकट की का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो डियर आप मिल जाएगा, आप इसमें ढूंढें, शॉर्टकट की का वीडियो मैंने बनाया हुआ है लेटेस्ट में ये। तो ये देखिए शॉर्टकट की का वीडियो यहाँ पे दो पड़ी हुई हैं, शॉर्टकट की BCC CCC ओ लेवल एग्ज़ाम की लेटेस्ट में ही पड़ी है, 3 दिन पहले डाली गई हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पर सर्च करके देख लें, आपको मिल जाएगी। डियर आप देख लें वीडियो, टैली डायरेक्ट से शायद ना हो, आप सर्च करके देख लें, वीडियो पे आपको सारी जानकारी है सारे कोर्स के बारे में। सर, अगर HTML पे प्रोजेक्ट बनाना हो तो क्या क्या होना चाहिए वेब पेज में?
तो डियर इसमें HTML पे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, या आप इंटरनेट वेब डिजाइनिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है लैन मैन वैन हो गया। इस प्रकार से इनमें भी आप लिख भी सकते हैं, थ्योरी बेस पे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम बनाने हैं, आप थ्योरी भी इसमें लिख सकते हैं। ISDN हो गया आपका, बड़े बड़े मेजर पोर्शन जो इसमें हैं, BPP हो गया, ISDN हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, इस पर भी आप लिख के भी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 20 से 25 प्रोग्राम ही बनाने हैं, ऐसा कोई मेजर NLT ने कोई नियम नहीं दिया है। यस सर, मिल गया, थैंक यू, वेलकम। तो यहाँ पे आप ढूंढें, अभी कुछ दिन पहले NLT के सारे कोर्स गाइड किए गए थे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें आप लोग, अगर आप NLT में और कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। देखिए इस तरह से है, NLT डोएक नन फॉर्मल कोर्स फुल डिटेल, और NLT शॉर्ट टर्म कोर्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और IT कोर्स। तो ये तीन वीडियो आपके लिए पड़ी हुई हैं, तो जो भी स्टूडेंट NLT से अदर कोर्स करना चाहते हैं और इस एरिया में अगर रहते होंगे, जिस हिसाब से ये कोर्स होते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी चीज़ें, आपकी डाउटें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से लाइव सेशन हम करते रहेंगे, तो अगर आवाज़ ख़राब आ रही हो तो प्लीज़ बता दें कमेंट करके कि आवाज़ किस तरह से आ रही है, क्योंकि मुझे तो अभी सुनाई नहीं दे रहा है, आफ्टर फिनिशिंग के बाद मैं उसको सुनूंगा कि कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। तो प्लीज़ आप लोग बता दें आवाज़ में कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही, क्लियर वॉइस आ रही है कि नहीं। मैं ओ या ए लेवल के दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं? नहीं डियर, एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, आप ए लेवल ही करें पहले, ओ लेवल करें, उसके बाद ही आप ए लेवल कर सकते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। आप डियर परेशान ना हो, अभी आपको वीडियो मिल जाएगी थोड़े दिनों में, प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में, HTML पे प्रोजेक्ट बनाना बता देंगे, और आपका सी लैंग्वेज पे भी कैसे आपको लिखना है प्रोजेक्ट, वो सब आपको बता देंगे, किस तरह से फाइल बनानी है सबमिट। आप कोई भी आपके आसपास कोई ना कोई तो स्टूडेंट ऐसा होगा ही जिसने BTech MTech या MCA किया होगा, आप उससे चेक करवा सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, उनका एक रिज्यूम लेके और उनका साइन लेके आपको NLT को सबमिट करना होता है, बस गारंटी के तौर पे होता है डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आधे घंटे से करीब लाइव हो गया है, अभी मुझे कहीं निकलना भी है, तो आवाज़ सही आ रही है, तो थैंक यू डियर बताने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग लाइव होंगे कल या परसों में, और 1 तारीख से हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उस सेशन को ज़रूर देखें जो लोग ओ लेवल 2018 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको 1 तारीख से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे डेली, अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से, M1 M2 M3, और इसमें इस बार हम सारे मॉड्यूल को लेकर चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अगर वो सारे मॉड्यूल देना चाहते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट मल्टीमीडिया देना चाहता है, या ICT देना चाहता है, या फिर .NET का देना चाहता है, और बाकी जो 3 आपके कंपलसरी हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे, तो जो आपके ऑप्शनल हैं उनमें से भी हम सारे टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसके सारे आपको ट्रू फॉल्स जितने भी मैचिंग 40 नंबर का पोर्सन है उसको सोल्यूशन आपको मिलेगा, और आपका हिंदी इंग्लिश में जो 60 नंबर का मेजर पोर्सन है उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में सोल्यूशन मिलेगा, जिससे कि दोनों तरह के स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जिस तरह से आप लिखना चाहें उसमें आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, गुड बाय, टेक केयर, और बेल आइकन जरूर दबाया करें जिससे कि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।